बहुप्रतीक्षित धार जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन की घड़ी आखिरकार आई गई। तमाम कयासों और प्रयासों के बाद आज सुबह से कड़ी सुरक्षा सतर्कता के बीच कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद सभी सदस्यों को निर्वाचन केंद्र में जांच पड़ताल के बाद ले जाया गया, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान किया, जिसमें भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के दावेदार केएसवी के सरदार मेड़ा थे तो कांग्रेस की ओर से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम को इस बार भी अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में सामने लाया गया। मतदान के बाद आए नतीजों में दोनों ही दलों के लिए परेशानियां खड़े कर दी थी, जिसमें दोनों ही अध्यक्ष पद के सदस्यों को 14-14 वोट बराबर मिले, जिसके बाद गोली डालकर दोनों ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तय किया गया, जिसमें भाजपा के केसवी निवासी सरदार मेड़ा भाग्यशाली रहे और वे धार के नए जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। जैसे ही सूचना वहां मौजूद लोगों को मिली, भाजपाइयों में हर्ष की लहर दौड़ गई और सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। वहीं भाजपा संगठन में भी इस जीत से खुशियों की लहर दौड़ गई है। इस नतीजे से कई सारी रणनीतियां धरे के धरे भी रह गई। निश्चित रूप से आज धार जिले में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास का दिन है। कांग्रेस लगातार कांग्रेसी नेता कहते रहे कि हम आदिवासी को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उनकी कहनी और करनी में अंतर सामने आता है। जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने एक आदिवासी नेता को जब अधिकृत उम्मीदवार बनाया तो उनका अंदर से कॉन्शियस उनका अंदर से मॉरल ये कह नहीं पाया कि हम उनको वोट डालेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जब राष्ट्रपति के रूप में भी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का प्रति बनाया था तब भी ये बात आई थी। तो निश्चित रूप से आज इस धार जिले में राजीव यादव हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम 10 जनपद जीते हैं और आज ऐतिहासिक जीत हमारी जो हुई है ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और जनता की भावनाओं की जीत है। अभी पूरा विषय किस प्रकार का चयन हुआ और किस आधार पर हम जीते हैं जनपदों में, सरपंचों में, जिला पंचायत में, आदरणीय हमारे जिले के प्रभारी श्याम बंसल जी ने आपको बताया। कुल 28 वोट थे, 14 सीटों पे हमारी जीत हुई थी, 13 पे अधिकृत थे, एक पे हमारे समर्थक रूप से जीते थे और 14 के 14 लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया और कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने वोट किया और निश्चित तौर पर हमारी विजय हुई। इसमें दो गोटी डली है, उसमें गोटी में हम विजय हुए हैं।